मामा वहाँ से स्पेशल लेमिनेशन करवा के आई थी, तो सबके कपड़े उतरे पड़े। लोगों के बैग कम होते हैं, गुम जाते हैं, हमारे बैग ज्यादा हो रहे हैं। 10 होने चाहिए थे, 12 हो गए हैं। इतने ज्यादा फ्लावर्स लेके कहाँ जाना है आपने, पहले ये बताएं। इतने सारे खाबे देख के ना यकीन करें। लोर लोर 25 का पापा जी लिफ्ट के रूम तो छोड़ो, उधर तो मेरा मुंह छोड़ो पापा जी। Hello everyone, this is me, Hira Faisal, and welcome to my YouTube channel. Finally, we landed in... क्या हुआ? हम लोग finally Turkey आ चुके हैं guys. Turkey में land हो चुके हैं. अभी अपना लगेज वगैरह इकट्ठा करेंगे. सबकी शक्लें इस time बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं. क्या? सोई भी है. अभी तो हम एक्साइटेड हैं कि आगे क्या क्या होना है. पहले सामान इकट्ठा करते हैं, बाकी चीज़ें आपको साथ साथ दिखाते हैं. टर्की में एंट्री से पहले एक लाइन बोलेंगे, हाय दिल्ला, हाय दिल्ला, हमें एक दिल्ला. हाँ, तो अब वो मेन पार्ट आ गया जहाँ पे अपना सामान ढूंढना है हमने, और यही सबसे मुश्किल काम लगता है. वो ही नहीं पता चलता कहाँ पे आपका बैग है. मामा वहाँ से स्पेशल लेमिनेशन करवा के आई थी, तो सबके कपड़े उतरे पड़े. लेमिनेशन का हाल देखें. चलो बैग सेव रहे हैं, लेमिनेशन फटी है. टोटल बैग 10 पूरे करने हैं आपने. ये भी है, लेमिनेशन फटी है. सही कह रहे हैं. जैनब के काम तोड़ दिए इसने, उतारते उतारते सारा बैग, बड़ा वाला. और ये मेरा बैग है, इसके अंदर सारे मेरे कपड़े हैं. इधर इतनी लेमिनेशन के बाद जी, जैनब ने इतने गंदे तरीके से उतारे कि वो टूट गया, और कह रही है कैमरा ऑन कर लो, पापा से डांटना पड़े. बहुत चला के मजबूरन मुझे बड़ी बहन होकर करना पड़ा. कैमरा ब्लॉग देखे पापा कम डाने. सारी मशीनियाँ सामान लेके ना निकल पड़ी हैं, और मेरा जैनब ने जो टायर तोड़ा है ना, मुझे इस तरह से घसीट के लेके जाना पड़ रहा है, क्योंकि इसका वज़न बहुत ज़्यादा है. कोई 20 kg इसका था, और ये मेरा अपना ही बैग है. मेरे अपने नामा या माल मेरे हाथ में आए हुए हैं. वैसे तो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड वाली ठंड है, और यहाँ पर सबको रिसीव करने आए. इतनी ठंड है कि सब बाहर से कैसे आए थे. थैंक यू, थैंक यू. Oh my God, what a warm welcome. अपने अपने बैग्स पकड़ लो गाइस, इतने प्यारे लग रहे हैं यार. बहुत ठंड है, एक्स्ट्रा ठंड के साथ इतनी तेज़ हवा है, कैसे लग रहा है उड़ा के ले जाएगी. तो भाई यहाँ पे इतनी बड़ी है, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, हाईएस्ट हाईएस्ट. अब हम लोग ये अपने सारा जो बैग्स हैं ये रखवाएंगे अंदर, और ज़ैनब यूजुअल पापा से डांट करते हुए. और यहाँ पे एक क्विक अपडेट, लोगों के बैग कम होते हैं, गुम जाते हैं, हमारे बैग ज़्यादा हो रहे हैं. 10 होने चाहिए थे, 12 हो गए हैं, और पता नहीं कैसे किसके, वो कह रहे हैं किसके बैग उठा के लाए हो. 10 ही है, उन्होंने गलत काउंट किया. ओके, तो गाइस 10 ही थे. इकरा आद्रो ओब्रा आद्रा शून्य शून्य. तो भाई अब हम लोग अपनी लग्जरी कार में. यहाँ पे सब लोग बैठ चुके हैं इतना वार्म वेलकम के साथ. इतने ज़्यादा फ्लावर्स लेके कहाँ जाना है आपने, पहले ये बताएं. ऑलरेडी यहाँ पे दो रखे हैं मैं. सब हम लोग चल रहे हैं होटल की तरफ, फ्रेश होते हैं. आपको होटल का टूर कराते हैं, कुछ खाते हैं इनका फेमस जो भी है, क्योंकि वहाँ पे तो हमारे फेमस नाश्ते में क्या होता है, नान चने, नान पाए. पता नहीं यहाँ पे क्या मिलता है. सो पापा को वैसे यहाँ के खाने का बड़ा हुआ है. पापा कहते हैं टर्की सिर्फ अपने खानों की वजह से मशहूर है. सो देखते हैं कि अब हम यहाँ खाने में क्या होता है. दो बजे टाइम नहीं है नाश्ते का, तो हम उसे नाश्ता कह देंगे ना, कर लेंगे. सी साइड से गुजर रहा है, इतना प्यारा लोकेशन है ना, इतनी प्यारी. ये देखें कितनी प्यारी लग रही है. हाँ, गुजर गई है. अब इतना सो रही थी और अब भूख लगी, सोच रहे कि पहले कुछ खा लें और फिर होटल चलते हैं. भाई फाइनली हमारा होटल आ चुका है, उड़ जाओ सारे लोग. भाई अब हम लोग चलते हैं रूम में, फ्रेश होते हैं, और फिर दिखाते हैं गाड़ी क्या करते हैं. हाँ, पैक होते हैं चिप्स वगैरह. यहाँ से भी आकर चिप्स लेने. मैंने पापा से गाड़ी में पूछा होटल का क्या नाम है, पापा ने कहा टिस्की बिस्की नाम है, और अब नाम है बेंडर. बेंडर बेंडर पापा ने यार, ये टर्किश में नाम नहीं ना पता चलते. ब्लेंडर ब्लेंडर समथिंग. वही चेक इन करने जा रहे हैं आप सब लोग, ठीक है. और अब फिर हम थोड़ा सा खाना इधर मंगवाएंगे, फिर हम लोग रेडी होंगे रात को क्रूज डिनर के लिए, और वो सारी चीज़ें आपके साथ साथ दिखाऊंगी. रूम नंबर क्या हमारा, यही है आई थिंक, 2002.
2020 पता नहीं, पापा आके बताते हैं, मुझे नहीं पता यार। यहाँ से कितना प्यारा नीचे दिख रहा है, मजे की लोकेशन है। ओह माय गॉड, खड़ी ये है हमारा लाउंज एंड दिस इज आवर रूम। वाओ कितनी मजे की लाइट आ रही है, परफेक्ट फॉर पिक्चर्स। इसमें इन्होंने क्या दिया, कुछ भी नहीं। यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह लेंगे अभी हम, फिर इनके टर्किश स्टाइल में वॉशरूम्स हैं कुछ, इतने प्यारे लग रहे हैं। मुझे मौका ही नहीं मिला अपने आप को दिखाने का, बट कितनी प्यारी वाइब लग रही है। दिन 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 दिन। इस तरह का एक और रूम है, मैंने किया चूज़, सेम ही होगा। अब लड़ेंगी इधर दोनों, दोनों लड़ेंगी सेम रूम। मैं इधर रह रही हूँ, ठीक है। मेरा और फातिमा का ये है, वो जिसका मर्जी हो। कैसे बात कर रही हो मेरी बहनों से, ऐसे बात करते हैं ज़ैनब। और ये वाला जो है ये सेकंड रूम है, ये भी सेम उसी तरह का ही है, बट इसके भी आई थिंक पीछे से कर्टन वगैरह पीछे होंगे ना, तो इधर भी एज सच उतनी ही लाइट आएगी। ये यहाँ पर पापा मामा रहेंगे और यहाँ से ये व्यू है। और थोड़ा सा फ्री होकर फ्रेश होकर हम नीचे भी घूमने जाएंगे। हाँ ये बेड कितना प्यारा है ज़ैनब के लिए ना, वो उसको चार्जर की पड़ी है। खाने में अभी क्या खाएं ज़ैनब, कुछ लाइट सा। फिर रात में चलते हैं, इधर ही ला रहे हैं खाना, ठीक है। हाँ ये वाला अच्छा, यहाँ पे ना चार्जर भी ये वाला है कि समझ नहीं आ रही है कि लगाएं कैसे। आई थिंक इसका कुछ डिफरेंट मिलता है साथ, उसके साथ लगेगा ही। जैसे ओ कोई बहुत थोड़ी देर फोन के बगैर रह लो, थोड़ा सा फ्रेश होते हैं ज़ैनब भी। ओके गाइस, तो हमारा खाना आ गया। यू कैन कम इनसाइड, जस्ट प्लेस इट हियर, थैंक यू। शदीद भूख लग रही है, अभी अब्बा को बुलाते हैं। फातिमा सारा तुमने नहीं खाना, ठीक है, खोल रही हूँ। अभी हम लोगों ने रेडी होना है रात के लिए। अभी हम लोगों ने क्रूज़ का जो ट्रिप था वो सोचा कल कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं, इतना लंबा सफ़र था। अभी देखना मैडम कहाँ से आई है, शॉपिंग करके आए हैं। ओके एप्पल, दो एप्पल लेके, बहुत ज़्यादा शॉपिंग करके और सारे खाने पर टूट पड़े हैं। सबसे पहले हमारे पास है चाउमीन, फिर ये क्या है, उन्होंने साथ कुछ दिया है, एंड देन वी हैव कबाब विद राइस। और मैंने सूप भी मंगवाया था, कैसे कबाब है ये पापा का है। फातिमा ऐसे मत खाओ। ओके गाइस, तो यहाँ पे अब सब खाना खाना, कैसा लगा टर्किश फूड? सूप, सूप जो मैंने अपने लिए, मैंने बस सूप मंगवाया और मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई गर्ज नहीं है सूप पीएंगे। वो भाई पैसे लेने खड़े हुए हैं और ये मैडम यहाँ पर टूट पड़ी है यार, पहले उन्हें पैसे तो दे दो। ये मैंने बताया है, मंगवाया लेंटिल सूप और ये कह रही हैं ये दाल का सूप है, ये दाल ही है। मम्मा कह रही हैं इधर आई ना जरा कार, तेनू दाल पसंद नहीं है, थे दाल का सूप पी नहीं पिए। तो भाई यहाँ पे मुझे ना कुछ भी मेरे टेस्ट के लिहाज का नहीं लग रहा, तो मैंने सोचा कि मैं ना लेंटल सूप पी लूँ, तो सब बाकी की चीज़ें साथ साथ देखते हैं क्या होता है। इतने सारे खाबे देख के ना यकीन करें, लोर लोर है। और अभी हम क्या करेंगे, यू कैन से कि हम लोग क्या खाने लगे हैं, दाल चावल। दाल चावल की क्रेविंग जो आ रही थी ना पूरी हो गई जी। ये वो फीके चावल जो मैं बनाती हूँ, बहुत मजे के रसम राइस नहीं जिस तरह मैंने मंगवाया, दाल वाला सूप है। ओके गाइस, मेरी बहनों का ये आलम है कि अभी खाना मंगवाया पूरी फैमिली ने, वो इनको टेस्ट पसंद नहीं आया, खा लिया सबने, बट ये चीजें भी मंगवा ली। मुझे लग रहा है कि जितने भी दिन हमने यहाँ पे रहना था हमारा गुजारा इन्हीं पे ही होने वाला है। ये ज़ैनब पता नहीं क्या गंद उठा के लाए। 25 पापा जी लिफ्ट के रूम तो छोड़ो, ज़ैनब के रूम छोड़ो पापा जी। इसमें ऐसा क्या है जो इतने का? 10 लीरा पापा जी। ज़ैनब का आईबॉल पता है कितने का है? 10 लीरा 10 पे भी तुम्हें डांट पड़ रही है, और ये रियल प्राइस नहीं है। ₹4,500 है फिर, ठीक है ₹250 फिर ठीक है। अंडा ये मिलता ही नहीं ना, मेरी दोस्त लाती थी ज़ैनब ने अंडा लेके अपनी औकात जहाँ जाती है ऐसी चीजें लेती है और अपनी औकात दिखाती है। मैं भी खा कर दिखाती हूँ सबको, सबर खा के ना दिखा दो, हमारी वैसे औकात दिख गई है। ASMR करते हैं हम, ASMR नहीं ASMR। ये देखो पहले हम ओपन करते हैं इसको,
जो कि होनी है। सिस्टर आई चलो जी ना इस टाइम खाने लगी हुई सब चप 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 लगे हुए करने। मैं भी यही मुझे भी यही लग रहा है हमने जितना मुश्किल से खाने मंगवा के खाए हैं ना बस सही है। जब भी खोल दो ना वैसे तुम ये सीरियसली खाओगी इधर मुकरना कितना चीप लग रहा है यार पता नहीं क्या है ये जेली है शायद कोई शिट ज़ैनब अंत की चीप है कैसी है पता नहीं अंदर कैसा सा टेस्ट कैसा है गंदा घटिया 250 रुपया मुबारक हो आप सब यार ये जेली है 5 रुपए वाली खा के ना शाम को मुझे कहना पहली दफा खाई है हमारी दोस्त है आस पास के एरिया की स्पेन की दोस्त है मेरी नहीं दोस्त स्पेन के उसके पापा स्पेन रहते हैं ना तो वो लाती है ना ये मड़क मड़क खराब है बट जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है यहाँ पर मैं और पापा एक्सपेरिमेंट करने खड़े हुए हैं कॉफी बना रहे हैं पीते हैं और थोड़ा सा बाहर घूमने चलते हैं रेस्ट वेस्ट तो साहब हमने कर लिया है और थोड़ा फ्रेश होते हैं और फिर चलते हैं तो यहाँ पे आके मेरे बाल भी तुर्किश हो गए उड़ गए हैं सारे बाल कुंडले हो गए अपने हो गए हैं जीप से लो जी बन गया नहीं भी बन गया अभी पानी और आएगा क्या कह रहे हैं पहले बटन दबा खड़ा हुआ मैं कहा बटन दबा दबाओ मैंने कभी इसमें कॉफी बनाई नहीं है ना तो मुझे आईडिया नहीं है एस्प्रेसो ऐसा ही होता है अब इसको करना क्या अब इसमें पानी डालना नहीं ऐसे ही पीना अभी आएगा पानी पीछे तो गाइस मैंने फातिमा की जो है चप्पल चुरा ली है और अब हम लोग आपको करवाते हैं होटल टूर वो भी अंधेरे में अच्छा टर्किश होटल्स है ना उनकी ना जो रूम की जो होटल्स की वाइब है वो इस टाइप की ऐसे लग रहा है घर घर वाली वाइब आ रही है और देखें इतने ज़्यादा बचत खो रहे हैं जहाँ पर आप जा रहे हैं सेंसर के साथ लाइट ऑन हो रही है जो और यहाँ पे ना गाइस लिफ्ट नहीं लगी है हम इतनी लंबी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आए हैं अभी चलेगी लाइट हाँ लाइट ही नहीं आ रही देखा ना ज़्यादा ही बचत हो रहा है हम वापस जाते हैं राधा को साथ पकड़ते हैं और थोड़ा सी चीज़ें एक्सप्लोर कराते हैं गाइस मैं हल्का सा भी नीचे से होके आई हूँ लेकिन यहाँ पे पर किस लिए हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं रोड्स स्ट्रीट्स देखने जा रहे हैं तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर स्ट्रीट ट्रिप करने ट्रिप और यहाँ पे जितना भी आसपास चीजें हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो तो ड्राइव दिया पे उन्होंने हाँ और तुम लोग एक एक्स्ट्रा लेके भी आए प्यारा है हाँ। लेकिन एक बच्चा जो हमारे साथ अभी कोऑपरेट नहीं कर रहा है वो सो रही है और उसको मैंने पढ़ाई उठाने की ट्राई की अभी देखना कितनी जोर से बोलती ज़ैनब उठ जाओ मेरे साथ इतना ही अभी लड़ी है मैंने उसको उठाया पीछे उठ जाओ लेकिन अब थोड़ी सी ना उठ गई है तो थोड़ी देर पे उठती है फातिमा भी चेंज नहीं करी फ्रेश हो रही है सभी फ्रेश हो रहे हैं बस तो कुछ एक्सप्लोर करते हैं खाते हैं जो अपने मतलब का खाना बिकॉज टेस्ट बर्ड्स जो है ना वो मिलने चाहिए किसी और कंट्री के फूड के साथ ठीक है गाइस फातिमा चलाक ने अपना शूज़ मेरे से जो थे वापस ले लिए हैं मुझे मजबूरन यही पहनने पड़े हैं फिर हम वापस उस कगार पे आ गए हैं थोड़ा सोचा आपको होटल टूर कराते हैं विद राबिया राबिया आ जाओ इसको अपने बाल समेटने की पड़ गई है अभी आ जाओ पहले ही बहुत ठंड है और टूर करवाएगी उसका भी तो सुंदर देखना जरूरी है मैं टूरिस्ट गाइड हूँ यहाँ पे तुम नहीं हो जल्दी आओ और फाइनली फाइनली कुछ भी नहीं जल्दी आओ राबिया ये यहाँ पे रेडी हो रही है मेरे बैग में देख लो बट वो मैंने पहननी है हाँ ये वाली हील पहन के घूमी थी और मेरे ना पाँव सारे सूज गए थे एयरपोर्ट पे सो अभी हम लोग जाएंगे एक्सप्लोर करने वो वाला जो व्लॉग होगा वो आपको इसे नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा तो इसे नेक्स्ट वाली वीडियो में आपने देखना कि अभी हम लोग यहाँ से निकल के कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे कहाँ कहाँ खाएंगे खाना और कुछ मार्केट्स है पापा ने कहा इतनी प्यारी मार्केट है नीचे वो भी आपको दिखाते हैं सो लेट्स गो ओके गाइस सो मैंने एक चीज़ डिसाइड किया कि हमारा जो होटल है ना अभी वो इस तरह के सेंसर से चलता है तो वो हम बस आपको इतना ही दिखा सकते हैं और अभी हम लोग निकल रहे हैं फॉर किसके लिए डिनर के लिए भी और क्या एक्सप्लोर करवाना है हमने मार्केट्स वगैरह खुद एक्सप्लोर करनी है बड़ी मुश्किल से उठाया से मैंने जब मैं सो रही थी तब आके हीरापी चलो चलो और जब अपनी बारी है तो पीछे हो जाओ बहुत तंग किया हीरापी ने बदला जरूर
नहीं जी, तो मुझसे बदला नहीं लोगी, मुझे पता अपनी बहन का, ठीक है। आई थिंक ये वाली वीडियो यहीं पे खत्म कर देते हैं, जो बाकी की चीजें होंगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगी। सो स्टे ट्यून्ड, इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर, प्लस डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। आई विल बी राइट बैक विद अनदर वीडियो। और हम टर्की में कौन कौन से फूड ट्राई करें प्लीज कॉमेंट में बताइएगा, कौन सी चीज़ है मेरे और हम सबके टेस्ट बर्ड्स को अच्छी लगेगी जरूर बताइएगा। सो टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।